Hello everyone, welcome back to my another video. This is Deepika and in today's video I'm gonna tell how to book short-term accommodation in UK from India. So if you are an international student, ये video आपके लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होने वाली है. इसमें मैं अपने booking का experience बताऊँगी, plus आपको instant booking का live demo भी दिखाऊँगी और कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको अपना accommodation book करते समय ध्यान रखनी है. So let's get started. तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो आपको accommodation book करने से पहले ध्यान रखनी है. तो इसमें सबसे पहले तो ये आ जाता है कि अगर आप इंडिया से book कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप कोई भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ना करो, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आपको जॉब, इंटर्नशिप, आगे जाके कहाँ कौन सी जगह पे मिलने वाली है, इन सब का आपको कोई आइडिया नहीं है. तो अगर आप ऐसे में लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट करके जाते हो एकोमोडेशन का, तो वहाँ पे जाके आपको सफ़र करना पड़ सकता है. सो इट्स बेटर कि आप यहाँ से 15-20 दिन का स्टे आप बुक करो. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अभी हम सबको पता है कि इंडिया जैसे एम्बर लिस्ट में आ चुका है, बट फिर भी हमें 10 days होम क्वारंटाइन करना है. तो उसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आप इस तरह का शॉर्ट टर्म बुक करो. अगर आपको प्राइवेट बाथ और अगर किचन मिल सकता हो तो इट्स गुड, अदरवाइज इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप जहाँ पर क्वारंटाइन करना जा रहे हो वहाँ पर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी कि नहीं, लाइक प्राइवेट बाथ होगा कि नहीं, आप अपना फूड का कैसे हैंडल करोगे वो बताना होगा, या तो आप उसको मैनेज कर लोगे किसी भी ऐप से फूड एंड ऑल ये सब आप ग्रॉसरीज वगैरह बुक करके. अदरवाइज़ ये आपको ये बताना होगा कि लाइक यू आर कैरिंग मोर देन 10 days स्टफ, फूड स्टफ, और यू विल कुक बाय योरसेल्फ. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद से ध्यान रखनी है, क्योंकि वो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं रिगार्डिंग योर क्वारंटाइन. क्योंकि क्वारंटाइन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप 10 days के लिए घर में हो और घर में आप किसी से भी मिल रहे हो और कोई भी कभी भी आ रहा है. सो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है. और इवन अगर आप किसी के साथ शेयर्ड में क्वारंटाइन करते हो तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप दोनों एक ही ओरिजिन, आपका ओरिजिन सेम है, सेम फ्लाइट से आए हो, और आप तब एक साथ क्वारंटाइन कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि वो अलग फ्लाइट से है कोई और देन वो आपको बाद में ज्वाइन कर लेगा. सो ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है. तो इनकेस अगर किसी को भी कोविड है और दूसरे को ऐसे सिम्टम्स आ गए तो उसमें आपको उनका क्वारंटाइन रूल ब्रेक करने का फाइन भी लग सकता है. यही सारी चीज़ें थी जो मैंने अपने बुकिंग के टाइम पे ध्यान रखी हैं. लाइक अगर मैंने अपना जो भी बुकिंग करी है तो मैंने उसमें ध्यान रखा है कि मेरे पास बेसिक किचन आइटम्स होने चाहिए उस रूम में इंक्लूड, और उसमें प्राइवेट बाथ होनी चाहिए, सो दैट मैं अपना 10 days का क्वारंटाइन पीरियड ईजिली कम्प्लीट कर पाऊँ. तो अब बात करते हैं कि मैंने अपना शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन कैसे बुक किया. तो सबसे पहले तो मैंने भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स के थ्रू ही चेक किया कि मेरे एरिया में कौन से रूम्स अवेलेबल हैं. बट इन वेबसाइट्स के थ्रू मुझे ऐसा लगा कि बुकिंग का प्रोसेस काफ़ी लेंथी हो जाता है, और मैक्सिमम रूम्स जो मिल रहे थे वो 6 to 1 year के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में मिल रहे थे. देन मुझे Airbnb ऐप के बारे में किसी से रेफरेंस मिला, मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिव्यू मिले कि वर्ल्ड वाइड लोग इसको यूज़ करते हैं. इसमें आपको इंस्टेंट बुकिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं और ये अफोर्डेबल भी है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें प्राइस लिमिट भी सेट कर सकते हो. उसके अलावा ये आपको फ्री कैंसिलेशन भी प्रोवाइड करती है, बिफोर 1 day तक आप आपके चेक इन डेट से अभी भी कैंसिल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कंप्लीट मनी आपका रिफंड हो जाएगा. सो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी ऐप, और इसी ऐप की मदद से मैंने अपना इंस्टेंटली रूम बुक कर लिया और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मुझे वो पड़ा. सो आप चाहे सिंगल जा रहे हो या आप 2 या 3 person हो, आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो. इसमें आप अगर आप 2 या 3 लोग एक साथ रूम बुक करते हो तो आपको ये बहुत अफोर्डेबल रेंज में पड़ेगा. तो मैं इसको आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी, आप यहाँ से अपना एकोमोडेशन ईजिली बुक कर सकते हो. इनकेस आपको UK के एकोमोडेशन का कोई आइडिया नहीं है और वेबसाइट्स के थ्रू आप ईजिली बुकिंग नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा. और मैं आपको अभी एक पूरा लाइव डेमो दिखाती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट.
तो इधर मैं आपको बुकिंग एयरबीएनबी के ऐप के थ्रू करके दिखा रही हूँ। आप चाहो तो ब्राउज़र पे भी सिंपली एयरबीएनबी टाइप करके वहाँ उनकी वेबसाइट से भी बुकिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर एयरबीएनबी की ऐप में सबसे पहले आपको अपना डेस्टिनेशन बतानी है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो इधर आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप शॉर्ट टर्म स्टे ले सकते हो या मंथली स्टे भी ले सकते हो। तो जैसे मैं अभी शॉर्ट टर्म स्टे देख रही हूँ, तो मैं जैसे देख रही हूँ 1 to 10 के लिए। तो इधर आ जाता है नंबर ऑफ पर्संस। तो इधर अगर आपके साथ एडल्ट, आप सिंगल जा रहे हो या कोई बच्चा है आपके साथ, या आप 2-3 लोग ग्रुप में जा रहे हो, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ एडल्ट्स डाल सकते हो। लेट से मैं यहाँ पर 2 लोगों के लिए रूम देख रही हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, बट मैं यहाँ पर पहले फ़िल्टर लगा देती हूँ। फ़िल्टर में जैसे मैं, क्योंकि अभी हमें क्वारंटाइन करना है, तो एंटायर प्लेस या प्राइवेट रूम बाद आ जाता है इंस्टेंट बुक। तो इंस्टेंट बुक अगर आप ऑप्ट करते हो तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप डायरेक्टली पे कर सकते हो, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा होस्ट का आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ आप प्राइस रेंज भी सेट कर सकते हो, तो मैं 5000 तक कर देती हूँ उसको। यहाँ आपकी सारी अमेनिटीज़ हैं, तो इधर मैं ऑप्ट कर लेती हूँ प्राइवेट बात। आपको और कुछ भी चाहिए तो आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ चेक करते हैं हमारे स्टेज। तो यहाँ पर पूरा स्टूडियो मिल गया है, और 2 लोगों के लिए 10 डेज़ के लिए ये अराउंड 18,000 का आपको पड़ेगा पर पर्सन। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप इसको भी बुक कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप इजीली 2 लोग इजीली क्वारंटाइन कर लोगे अपना। नेक्स्ट इज़ प्राइवेट रूम। तो आप ये भी देख सकते हो, आप अपने फ़िल्टर के अकॉर्डिंग, लाइक ये आपको 15,000 के अराउंड पड़ जाएगा पर हेड। इसमें भी प्राइवेट बाथ और बेडरूम है, सो आप अपने अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हो कोई सा भी। ये स्टूडियो, एंटायर स्टूडियो है, जो आपको 20,000 में पर हेड पड़ जाएगा अगर आप 2 के साथ शेयरिंग करते हो 10 डेज़ के लिए। सो ये सारे तो ये ऑप्शंस थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि बुकिंग करते कैसे हैं। तो लाइक मैं पहले ये स्टूडियो बुक कर रही हूँ। आप इधर यहाँ पे इनकी सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो, कि ये इसकी इनकी लोकेशन भी दी होती है। तो गूगल मैप पे जाकर आप इनकी लोकेशन सर्च करो कि आपके कॉलेज या आपके एयरपोर्ट से कितना दूर है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना रूम सेलेक्ट करो। सो जैसे हमने अवेलेबिलिटी चेक करी है, सारी चीज़ें इसमें वही दिखा रहा है। अब मैं इसको बुक करके दिखाती हूँ। तो आपको पहले यहाँ रिज़र्व पे जाना है। रिज़र्व पे जाके आपको सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है, और यहाँ पर कंफर्म एंड पे का ऑप्शन आएगा। कभी कभी आपको कंफर्म और पे का ऑप्शन डायरेक्टली नहीं आता, क्योंकि ये मैंने इंस्टेंट बुक पे फिल्टर लगा रखा है, इसलिए इधर आप डायरेक्टली पे कर सकते हो। तो ये आपका पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पर आप डायरेक्ट पेमेंट पेज पे हो गए हो। तो यहाँ आ गया है। सो यहाँ पर कोई भी पेमेंट ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। लाइक मैंने जो अपनी पेमेंट करी थी, मैंने कार्ड्स के थ्रू करी थी, तो मैंने क्रेडिट कार्ड से पे किया था। यहाँ आप अपनी डिटेल डालो और प्रोसीड करो। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे, आपको बुकिंग कंफर्मेशन का मेल आ जाएगा, उसके साथ आपको आपकी रिसिप्ट मिल जाएगी। इसमें आप कैंसिलेशन पॉलिसी भी चेक कर सकते हो। तो इनकी कैंसिलेशन पॉलिसी बहुत अच्छी होती है, लाइक ये जनरली फ्री कैंसिलेशन ही देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको फुली रिफंडेबल है अगर आप 27 अगस्त तक कैंसिल करते हो इसको तो। और 1 सितंबर में अगर आप, जिस दिन आपको चेक इन करना है, अगर आप उस दिन इसे कैंसिल करते हो, तो आपको 50% रिफंड मिलेगा, माइनस उनके फर्स्ट नाइट और सर्विस के चार्जेस। सो ये सारी चीज़ें आपने चेक कर ली और आपको पता चल गया है कि किस तरह से इसको बुक करते हैं। बट कभी कभी आप बुक करते हो तो उसमें पहले वो ऑप्शन देता है कि आप अपने होस्ट को मैसेज करो। लाइक अभी तो मैंने इंस्टेंट बुकिंग ऑप्ट किया हुआ है। अगर आप इंस्टेंट बुकिंग बंद करते हो और तब उसके बाद आप बुक करना चाहते हो, तो आपको ऑप्शन तो ज़्यादा मिलेंगे, बट उसी टाइम आप पे नहीं कर सकते डायरेक्टली। लाइक अभी 241 स्टेज मिल रहे हैं मुझे, और इधर लेट्स से मैं ये वाला स्टूडियो
ये रूम है, प्राइवेट रूम, इसको बुक करती हूँ। तो इधर आपको होस्ट को बताना पड़ेगा पहले, ये रिक्वेस्ट टू बुक। तो पहले आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है और मैसेज ऐड करना पड़ता है। तो मैंने ये मैसेज टाइप किया और मैं ये उनको पहले भेजूंगी। तो जैसे ही मैसेज सेंड होता है तो उसके बाद ही आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। और किसी किसी में मैसेज सेंड होने के बाद जब तक होस्ट कंफर्म नहीं करते, होस्ट जब तक आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप पे नहीं कर सकते। तो इधर डिफरेंट डिफरेंट रूम्स के अकॉर्डिंग उनके अपने रूल्स हैं। तो आप जैसे बुक करें, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, इसको पे करके इंस्टेंट बुक कर सकते हो अपना एकोमोडेशन। सो हमने बुकिंग का पूरा प्रोसीजर देखा और आई होप कि आपको इजीली समझ आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक भी अपना एकोमोडेशन बुक नहीं करा है तो आप मोबाइल फ़ोन में भी एयरबीएनबी की ऐप डाउनलोड कर सकते हो और अपना इंस्टेंटली रूम बुक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो एंड वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज फ्रॉम मी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.